अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में शाद और आबाद रखे। आज मैं फिर आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और उसका नाम है एग पकोड़ा, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और कोई आपके घर अचानक मेहमान आ जाए तो उसमें भी आप सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ा देगा। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कौन सी चीज़ें चाहिए। बेसन लिया है मैंने 4 टेबल स्पून और 4 एग लिए हैं जिनकी मैंने कटिंग कर ली है, और 1 एग की मैंने कटिंग नहीं की है, वो मैं आपके सामने अभी आपको करके दिखाती हूँ। एग को जो है वो अपने सेंटर से हाफ करना है, फिर उसके जो एक पार्ट है उसको भी फिर सेंटर से हाफ करना है, दूसरे पार्ट को भी सेंटर से हाफ कर देना है। इस तरह 1 एग के आपने 4 स्लाइस करने हैं, और जो स्पाइस हैं वो 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है पिसी हुई, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून चाट मसाला है, और उसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये 1/2 टीस्पून है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी है जो मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसका जो पेस्ट है वो आपने थोड़ा गाढ़ा सा बनाना है, थिक सा होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए, और ऑयल। अब इसको बनाते हैं। एक बाउल में बेसन लिया है, उसके बाद सारे स्पाइस जो हैं इसके अंदर आप ऐड कर दें, और उसके बाद इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं और बैटर आपका बहुत अच्छा सा बने, ठीक है। और उसके बाद आप जब अच्छी तरह मिक्स कर लें तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी को ऐड करना है, और उसको एकदम पानी नहीं डालना ताकि आपका बैटर पतला ना हो जाए आपसे, उसको बहुत अच्छा सा बनाएं। और फिर उसके बाद एक बर्तन लें, उसमें ऑयल को डालें और उसे गरम करें, ज़्यादा गरम नहीं करना, बस अपने हाथ से आप चेक कर लें उसकी हीट। आपको उस पर एक स्पून लेके उसको ऐसे, अंडे को आपको नज़र आ रहा होगा, उसको अच्छी तरह से बेसन में लपेट दें, और फिर उसके बाद आप गरम ऑयल में, तेज़ गरम ही होना चाहिए ऑयल, उसको उसमें फ्राई के लिए रख दें। और उसके बाद फिर इसी तरह दोबारा से आपने एग स्लाइस लेना है और उसको बेसन में अच्छी तरह से डिप करना है, और फिर आप स्पून की मदद से एहतियात से, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और अगर जो नई बच्चियां मुझे देख रही हैं जिन्होंने नया खाना पकाना शुरू किया है, वो बहुत भी केयरफुल जो है वो अपनी जो फ्राइंग को करें, और बच्चियां जो हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, वो बिल्कुल भी फ्राइंग के पास ना आया करें जब फ्राइंग हो रही हो, क्योंकि कोई भी चींटा जो है वो आ सकता है, इसलिए एहतियात करें। और बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिस्सों मान में रखे। इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके सारे फ्राई कर लेने हैं, और ये देखिए मेरे फ्राई हो चुके हैं और मज़ेदार से। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।